करनाल में एक महिला के साथ करीब 15 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ये ठगी किसी और ने नहीं बल्कि उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले युवक ने की है। अब महिला को न्याय दिलाने के लिए मर्दानी फाउंडेशन ने मोर्चा खोल दिया है। मिली जानकारी के अनुसार करनाल के सेक्टर 16 के रहने वाली एक महिला के एक युवक के साथ करीब 4 वर्ष पहले संबंध बन गए। युवक महिला के घर पर ही आकर रहने लगा और बातों ही बातों में उसे शादी का झांसा देकर उससे संबंध स्थापित कर लिए। महिला भी उसके विश्वास में आ गई और अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। आरोपी युवक ने अपनी बहन की शादी की बात कहकर महिला से करीब 12 लाख रुपए की गाड़ी भी ले ली और करीब 2 लाख रुपए से अधिक का जेवर भी ले लिया है। सब कुछ हो जाने के बाद युवक ने महिला से शादी करने से भी इनकार कर दिया। अब गाड़ी की किश्तें और जेवर का पैसा लेने वाली महिला के घर आकर न केवल उसे बेइज्जत कर रहे हैं बल्कि उसे धमका भी रहे हैं। ये वाक्य हो जाने के बाद अब युवक भी फरार है। युवक किसी गांव का बताया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि महिला द्वारा करीब 1.5 माह पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महिला को न्याय दिलवाने के लिए मर्दानी फाउंडेशन ने मोर्चा खोल दिया है। आज जिला सचिवालय के सामने मर्दानी फाउंडेशन की महिला सदस्यों ने पीड़ित महिला के लिए न्याय की गुहार लगाई। वह आज इस मामले को लेकर पुलिस कप्तान से मिलने के लिए आई हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जब तक पीड़ित महिला को न्याय नहीं मिल जाता और आरोपी को सजा नहीं होती, वे अपना संघर्ष जारी रखेंगी। करनाल से प्रीति काद्यान की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार एक्सप्रेस में। हम मौजूद हैं करनाल के सेक्टर 12 में। यहाँ कुछ महिलाएं प्रदर्शन पर बैठी हैं। सोनिया तवर जी हैं जो कि एडवोकेट है और मर्दाना फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हैं। ये एक लड़की को न्याय दिलाने के लिए निकली है, तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। मैडम थोड़ी जगह मिलेगी। सोनिया जी, बताइए पूरा मामला क्या है। पहले तो सर मामला ये है कि पिछले 4 साल से एक लड़का, ये हमारी बहन बैठी है, इसके साथ रहता था और मतलब शादी नहीं हुई थी लेकिन एक दूसरे के साथ रहते थे और ये दिखाया गया समाज को कि वो इसका पति है लेकिन शादी नहीं हुई। शादी बार बार टाली गई और कोशिश ये की जाती थी कि पहले लड़के वालों को ये बोला गया कि भाई हमारी शादी करवा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि पहले हम अपनी बेटी की शादी करवाएंगे उसके बाद हम आप लोगों की शादी करवाएंगे, जो एक नॉर्मल बात थी। हम लोग इस बात के लिए एग्री थे कि ठीक है आप अपनी बेटी की शादी कर लीजिए। फरवरी 2020 में उनकी बेटी की शादी तय हो जाती है। वो लोग ये प्रपोजल रखते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी में फॉर्चूनर गाड़ी देंगे। ठीक है, वो इस लड़की को इस बात के लिए मतलब एक तरीके से पूरी कहानी षड्यंत्र रच के ये समझा दिया जाता है कि हमारे पास कुछ पैसे कम हैं, तेरे पास पैसे हैं तो हमारी मदद कर दे। 12 लाख रुपए कैश इसके अकाउंट से और ग्लोबल टोयोटा के खाते में जाते हैं, वहां से एक गाड़ी निकलवाई जाती है फॉर्चूनर और वो गाड़ी दी जाती है। लड़का अपनी बहन को उसकी शादी में वो गिफ्ट के रूप में देता है। ठीक है, कोई बात नहीं, लड़की को ये उम्मीद थी कि कल को मुझे इसी घर में जाना है और कोई बात नहीं, मेरी तरफ से पैसे जा रहे हैं। उसके बाद 5.5 लाख रुपए का OPS ज्वेलर्स के यहाँ से जेवर खरीदा जाता है। OPS ज्वेलर्स के वहाँ पर इन्होंने 5.5 लाख रुपए का जेवर के जो पैसे हैं वो ये लड़की देती है। 1 लाख रुपए कम पड़ जाते हैं क्योंकि इसके पास उस समय इतने पैसे नहीं थे, तो 1 लाख रुपए में भी उन लोगों ने चेक भी इसी का दिलवा दिया वहाँ पर और आज वो चेक वहाँ पर फंस गया है। 1 लाख रुपए के लिए OPS ज्वेलर की तरफ से बार बार कॉल आती है कि आप हमारे पैसे दीजिए, वो जायज है क्योंकि चेक गया हुआ है तो वो तो पैसे मांगेंगे। उसके बाद फ्रिज, वॉशिंग मशीन, TV, LED और एक AC तकरीबन 1.5 लाख रुपए कीमत का हो गया। वो 1.5 लाख रुपए कीमत का भी फाइनेंस जो है वो इस बेटी के नाम से करवा लिया जाता है। तो आपने FIR कोई करवाई? हमने इसकी 1.5 महीने पहले महिला थाने में FIR दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में ये बेटी और हम लोग भी कम से कम 10 बार SP साहब से मिल चुके हैं लेकिन आज तक भी इस मुकदमे में कोई कार्रवाई। तो उसे 1.5 महीने तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से उन लोगों की जमानत हो जाए, मतलब हर संभव प्रयास, उन लोगों को विरोधी पक्ष की मदद करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। पुलिस कर रही है। आप जब जाते हैं वहाँ पर जवाब लेने के लिए कि क्या कुछ आपने कार्रवाई की पुलिस से, तो उनका जवाब क्या होता है जो आपको? देखिए, SP साहब के पास हम लोग 10 बार गए,
एसपी साहब से हम लोग मिलते हैं, वो अच्छे से हमारे सामने ही महिला एसएचओ को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद वो लोग हमें बहुत अच्छा आश्वासन देते हैं कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि पिछले 1.5 महीने से ऐसी क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हो कि एक भी अपराधी को आप लोग नहीं पकड़ के लाए, 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, आज तक एक भी नहीं अरेस्ट किया, क्या बात। आज हम लोग सर अभी एसपी साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं और कविता मैडम के खिलाफ आज लोग हम लोग शिकायत देंगे उनको। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम लोग अपराधियों को गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। और क्या है, बच्ची का जीवन खराब हो गया, उसको कर्जदार बना दिया गया, बजाज फाइनेंस से फाइनेंस है वो, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो जो फाइनेंस है, वो फाइनेंस वाले रोज घर आते हैं, रोज बेइज्जती करते हैं, अड़ोस पड़ोस में कहते हैं लोन क्यों कराया था, पैसे दो, मतलब उन लोगों की आदत है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो हमारे घर क्यों आते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी एक जिम्मेवारी है। लेकिन दिक्कत उससे इस बेटी को है, ये कहाँ से पैसे देगी? 20 लाख रुपए पहले ही मरवा चुकी है, अब उसके पास एक चवन्नी भी नहीं बची है, ऊपर से कर्जदार बना दिया, उधर से ओपीएस वाले ये कह रहे हैं तेरा चेक लगा देंगे। चेक लगेगा, आपको भी पता, चेक लगेगा तो मुकदमा भी दर्ज होगा। मैडम आप कुछ कहना? मैं तो प्रशासन से यही गुहार करती हूँ कि महिला होने के नाते महिला के दर्द को देखें। 1.5 महीने से महिला पीड़ित है और उसके बाद शिकायत करने के बाद भी ये आरोपी बनी हुई है। इसका हम प्रशासन से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का स्लोगन तो बहुत अच्छा दे रखा है, मगर बेटियों की रक्षा करने का स्लोगन किसने दिया है इन्हें? कम से कम बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की जगह बेटी की सुरक्षा का स्लोगन लगा लेते तो आज कम से कम हमारी जैसी कितनी बेटियाँ ऐसी हैं जो इस षड्यंत्र की शिकार हुई पड़ी हैं। सरेआम उनकी इज्जत लूट ली जाती है, उसके बाद कहते हैं कि औरतों ने ही पहले ही स्टेप उठाया होगा। कभी ये नहीं देखते कि दोनों का सांझे का हकदार होता है, दोनों ही वो गलती करते हैं तो इसकी सजा औरत को की दी जाती है। ये हमारे समाज का बहुत गंदा घिनौना एक औरत के ऊपर षड्यंत्रकारी अपराध लगा रखा है कि क्योंकि ये गलती सिर्फ औरत नहीं करती, घर बसाना हर औरत चाहती है, मगर उसमें उसका तमाशा बनाना ये समाज की हमारे लोगों की बहुत गंदी सोच है। तो मैं चाहती हूँ प्रशासन से भी, उन पुरुषों से भी कि शर्म करें, ऐसे काम ना करें कि आने वाले टाइम में बेटियां अपने हथियार खुद लेके चले और जहां पर भी ऐसी किसी बेटी के साथ गलत हो तो सरेआम वो उसका कत्ल करके आएगी, उसके बाद देखते हैं कौन आरोपी और कौन गुनहगार। मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है कि बेटियों की रक्षा करें, बेटियों की पहचान को पहचान रहने दें, उन्हें खराब मत करें। धन्यवाद। हाँ जी आप बताइए। बताने को बचा कुछ नहीं है, वही रोना वही धोना, क्योंकि महिला इस देश में सुरक्षित नहीं है, चाहे वो बलात्कार के नाम पे हो, चाहे वो पारिवारिक हिंसा के नाम पे बात हो, तो आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाएं क्या आम जन सुरक्षित नहीं है, इस देश का अन्नदाता सुरक्षित नहीं है? तो मैं आज केवल और केवल इस विषय पर बात करती हूँ कि जो आज हम यहाँ सड़क पर बैठे हैं केवल इस मांग पर बैठे हैं कि पिछले 1.5 महीने से एक FIR दर्ज कराई गई थी महिला थाने में, जिसको लेके आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। SP साहब के पास भी पेश हो चुके हैं, महिला थाना की SHO खुद एक महिला है और वो महिला थाना इसीलिए बनाया गया था कि जहां महिलाओं के हकों की बात हो चुके, उनको हक मिल सके उनका या उनको इंसाफ मिल सके। तो आज एक महिला मजबूर हो चुकी है सड़क पर बैठने के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति ने उसके साथ धोखाधड़ी करके एक षड्यंत्र रच के उसके साथ उसकी पूरी जो जमा संपत्ति थी, उसकी बेटी के लिए जो संपत्ति जमा थी वो सभी हड़प के आज उस लेटी को सड़कों पे आने के लिए मजबूर कर दिया है। तो आज हम आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ प्रशासन से अपील करते हैं कि आप उस लड़की को इंसाफ दिलवाइए और जो आपकी कार्रवाई बनती है आप उचित कार्रवाई कीजिए। नहीं, एक मिनट बंद कर लो, एक मिनट, हम उस लड़की की भी ले लेते हैं ना, जब हमारे साथ वो लड़की भी मौजूद है जिसके साथ ये पूरा का पूरा कांड हुआ है, तो इनसे भी जानेंगे कि इनके मन पे क्या बीती है, इनके साथ जो है। आपका नाम क्या है? सॉरी मैडम, तो जो 1.5 महीने से अभी तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, बस हम इतना ही पूछेंगे कि आप अब प्रशासन से क्या चाहती हैं? कुछ अलग भी कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन उसके अलावा जितने आपने चक्कर लगाए हैं थाने के, उसके बाद आप क्या कहेंगी? मैडम मेरे को 1.5 महीना हो गया थाने के चक्कर लगाते हुए, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैं हर रोज़ थाने में जाती हूँ, SHO मैडम कहती है मैं कार्रवाई करूँगी, लेकिन आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद जमानत करवाने में भी आरोपियों को पूरा साथ दिया जा रहा है, SHO मैडम ने खुद बोला अभी वो जमानत लगा ले, लेकिन उन्होंने जमानत लगा ली है, मैडम उनका पूरा साथ दे रही है। और अब SHO मैडम का कहना है कि 20,000 रुपये में क्या होता है,
वो मेरे को 20,000 रुपये दे दिए उन्होंने, लेकिन 20,000 रुपये में क्या होता है, इतना बड़ा केस है, मैं 20,000 में इसको रफा दफा कैसे कर दूँ। आपके कितने पैसे गए हैं टोटल? मेरे तो 15 से 20 लाख रुपये जा रहे हैं मैम। 15 से 20 लाख जी। तो वो 20,000 कौन से? 20,000 रिश्वत ली है मैडम ने उनसे, लड़के वालों से। अच्छा, लड़के वालों से रिश्वत ली? हाँ जी। इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही? हाँ जी बिल्कुल मैडम। तो आपके जो कार्रवाई तो देखिए होगी ही, वो तो होगी, लेकिन पैसे भी आपके वापस मिले, आप ऐसा भी कुछ आती है कुछ एक्स्ट्रा भी आपको मिले, क्योंकि आप भी अकेली हैं शायद? नहीं मैडम, मेरे को एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ कार्रवाई चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस न्याय चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये थी वो महिला जिनके साथ ये सब हुआ है। ये जो बाकी महिलाएं आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये उनको इनको न्याय दिलवाने के लिए यहाँ पर आई हुई है। बाकी आगे जो होगा वो भी हम आपको साथ के साथ अपडेट करते रहेंगे। सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी के साथ मैं प्रीतिका जैन, समाचार एक्सप्रेस करनाल। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.